एक्यूटी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन एनटीए का तो जवाब नहीं है, क्या क्या तकनीकें निकाले जा रहा है एडमिशन के रिगार्डिंग, अब एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है और आपके रिजल्ट कार्ड पे क्या आपको दिखेगा। सर आपका जो एडमिशन होने वाला है वो सीईटी के मार्क्स बेसिस पे होने वाला है और ये मार्क्स बेसिस कैसे डिसाइड किए जाएंगे इसके लिए जो एनटीए ने सर्कुलर नोटिस जारी किया है एनटीए की वेबसाइट पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। 3 पेज का पीडीएफ रिलीज किया गया है वहां पे कि हम कैसे रो 1 रो 2 और रो 3 से आपका बुरी तरह से काट रहे हैं, क्या सारा सीन है, कैसे इसको डिसाइड किया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सी डिस्कस कर लेते हैं। सर ये जो है डिसाइड करता है आपने जिस प्रकार से अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिए थे, बेसिकली एनटीए का ये कहना है कि यार 27 डोमेन्स के अंदर आपके एग्जाम हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपके जो एग्जामिनेशन हुए हैं, तो आपके जो मार्क्स है ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज है वो हमारे जो एडमिशन लेगी वो सीयूईटी के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेसिस पे लेगी। इसका मतलब बेसिकली ये निकलता है कि जो भी हमारे डोमेन होते हैं, जैसे हमारे 12th के अंदर जितने भी डोमेन होते हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स सेम होते हैं ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 100-100 नंबर का पेपर होता है, उसी प्रकार से जो सीयूईटी ने भी नॉर्मलाइजेशन तकनीकी या फिर पद्धति अपनाई है यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग, जो ये कैसे काम करेगा इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल के अंदर डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा कि देर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या सारा सीन है। यार इनको नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो बेसिस है उसको सेम करना है ठीक है, जैसे हमने कोई 5 डोमेन दिए हो, 10 डोमेन दिए हो, 20 डोमेन दिए हो, तो जस्ट लाइक इक्वल करना, जैसे हमारे 12th में इक्वल थे ना 5 सब्जेक्ट, तो उस बेसिस पे तो ये इस प्रकार से कंडक्ट होगा। जैसे हमारे एक शिफ्ट के अंदर जैसे 3 एग्जाम हुए, सेकेंड शिफ्ट के अंदर 3-4 जो भी एग्जाम हुए थे, तो वो जो है रो वाइज उसको डिसाइड किया जाएगा ठीक है, जैसे रो 1 ठीक है, रो 1 के अंदर हमारे जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे ठीक है उसके मार्क्स, देन रो 2 ब्लैंक ठीक है, देन रो 5 रो 3 इस प्रकार से, जस्ट यार डिटेल के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, वैसे सिंपल प्रोसेस है लेकिन स्टूडेंट को जस्ट लाइक रियलिटी अगर मैं बताऊँ तो ये एक जस्ट लाइक स्टूडेंट के लिए एक स्कैम बन चुका है या फिर एक परेशानी बन चुकी है सीयूईटी एग्जामिनेशन। जिस प्रकार से एग्जाम हुआ है आई थिंक जिस प्रकार से ये हुआ है या फिर आने वाले समय में होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुली चल पाएगा इस प्रकार से। इससे अच्छा जो इतने साल एग्जाम कंडक्ट होता था दिस इज वेल एंड गुड और स्टूडेंट काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन इस बार तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ही पता है कि कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी देखते हैं यार आगे क्या सारा चेंज रहता है। इसके साथ ही आप लोगों को अगर एडमिशन के रिगार्डिंग गाइडेंस वगैरह चाहिए होता है देन मेरा आप गाइडेंस प्लान चूज कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा जो मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान CUET 2022 रनिंग है, जिसके अंदर हमारी टीम बच्चों की पूरी हेल्प करती है टू प्रोवाइड द एडमिशन ओके। लेकिन यार जस्ट आप लोगों को ये NTA वाला क्या सीन कैसा लगता है, और इसके साथ ही CUET का करेक्शन विंडो अभी ओपन है, आप सभी लोग जाके जो है उसको जरूर से ठीक कर लो ठीक है। थैंक यू।